अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाली यूपी के उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। राजस्थान के सीकर पहुंचे साक्षी महाराज ने प्रदर्शन कर रहे किसानों को खालिस्तान और आतंकी कहा है। दरअसल सीकर में मीडिया से बातचीत करते हुए सांसद साक्षी महाराज ने कहा, जो लोग किसान के नाम पर आंदोलन कर रहे हैं वे किसान ही नहीं हैं, वो खालिस्तानी हैं या फिर आतंकवादी या फिर दलाल या फिर राजनीतिक पार्टी के कुछ लोग हैं। वो किसान है ही नहीं, या तो खालिस्तानी है या आतंकी है या दलाल है या राजनीतिक पार्टी का कुछ लोग हैं। अब राकेश टिकैत को अगर हम लें तो 2014 में राकेश टिकैत हमारे प्रत्याशी के सामने अजीत सिंह की पार्टी से चुनाव लड़े थे लोकसभा का, 9000 भी वोट नहीं मिले थे। तो जिस आदमी को 9000 वोट न मिले हों अब अपनी धरती तलाशने के लिए किसान का आंदोलन लेके खड़ा हो जाए। ऐसे ही आपके राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, कुछ यहाँ से पुश कर दिया गया, वो पंजाब में कांग्रेस सरकार है वहाँ से पुश कर दिया गया। तो ये राजनीतिक स्टैंड है, किसान तो खेत में काम कर रहा। क्या यूपी में किसान नहीं है, हरियाणा में किसान नहीं है, मध्य प्रदेश में किसान नहीं है, सारे छत्तीसगढ़ सब सारे देश में किसान है, कहीं किसान आंदोलित नहीं है। पर दिल्ली के बॉर्डरों पर जो बॉर्डर राजस्थान से सटता है जो पंजाब से सटता है वहाँ पर केवल एक तमाशा हो रहा है, किसान खेत में काम कर रहा है। और MSP जो आरोप लगाए गए लोकसभा में, हमारे कृषि मंत्री जी ने कहा कि ये काला कानून, काला कानून, तो कानून में काला बताओ क्या है, हम निकाल देते काले काले को, सफेद रहने देते। तो वो ये कुछ बता नहीं रहे कि इसमें क्या है, ये काला कानून, काला कानून। तो बिना मतलब की वही बात मैं फिर दोहराना चाहूंगा, विपक्ष के पास कुछ नहीं रह गया है, केवल खिसियाने की बिल्ली खंभा नोच रही है, रोने के अलावा सियापा करने के बाद विपक्ष के पास कुछ, सारा विपक्ष देश से समाप्त होने वाला है। ये हिंदुस्तान की जनता समझदार हो गई है, कांग्रेस को विपक्ष में बैठने लायक भी नहीं छोड़ा कि विपक्ष का नेता उनका बन जाए। नहीं, कांग्रेस पेट्रोल का मूल्य बढ़ा है, इसको नकारा नहीं जा सकता, गैस का भी कुछ मूल्य बढ़ा है, इसे नकारा नहीं जा सकता। परंतु 65 साल में 13 करोड़ गैस कनेक्शन और 5 साल में 15 करोड़ गैस कनेक्शन, सीमा को पहली बार म्यांमार में घुस के हमने मारा है, पहली बार पाकिस्तान में घुस के हमने मारा है, पहली बार चीन को हमने खदेड़ा है। आज सेना स्वतंत्र है, सारे विश्व में भारत का तहलका मच रहा है, ये पहली बार होना, पहली बार बहुत कुछ हुआ है देश में, उसकी प्रशंसा तो होना चाहिए। धारा 370 हटा करके कश्मीर को बचा लिया, अयोध्या सारे विश्व का प्रेरणा का केंद्र बनने वाला है, इसकी तरफ क्यों नहीं ध्यान जाता। जब आधी आबादी का संरक्षण करने के लिए मुसलमानों का ट्रिपल तलाक खत्म कर दिया, तो हम राष्ट्र की राजनीति करते हैं, मोदी जी राष्ट्र की राजनीति करते हैं, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की राजनीति करती है, वोटों की राजनीति नहीं करते। कुछ लोग हैं एक परिवार की राजनीति करते हैं, गांधी परिवार की राजनीति, कुछ लोग हैं एक जाति की राजनीति करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, तेरा वैभव अमर रहेमा, हम दिन चार रहने हैं, हमारे लिए प्रथम राष्ट्र है और राष्ट्र की राजनीति करते हैं। आपको बता दें, राजस्थान के सीकर के लक्ष्मणगढ़ कस्बे में साक्षी महाराज निजी दौरे पर पहुंचे थे। वहां बीजेपी कार्यकर्ताओं और सनातन मंडल के पदाधिकारियों ने स्वागत किया, जिसके बाद साक्षी महाराज ने लक्ष्मणगढ़ के बाबा भूतनाथ के दर्शन किए। न्यूज़ डेस्क।